ओपन बिग एफएम पर मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अंशुमान। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग कहता हूं आपको। और आज है वर्ल्ड हार्ट डे, और इस वर्ल्ड हार्ट डे पर दिल के बारे में ढेर सारी बातें करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश पटेल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग एफएम पर। थैंक यू अंशुमान एंड थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कार्डियो वैस्कुलर डिजीज के बारे में। देखिए अंशुमान, कार्डियो वैस्कुलर डिजीज या सीवीडी का मतलब यह है कि जो भी बीमारियां हार्ट से संबंधित हैं, दिल की नसों के अलावा और भी कई सारी जो नसें हैं, जो कि जैसे हाथ पांव की नसें हैं, ब्रेन की नसें हैं, उनकी जो भी बीमारी कहलाती है वो सब एक ब्रॉड ग्रुप में इन्वॉल्व की जाती है, जिससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज की अगर बात कर ही रहे हैं तो इसकी स्थिति इंडिया में तो काफी भयावह है। इंडिया में हम अगर देखना चाहें तो जो सिचुएशन पूरा वर्ल्ड के कंपैरिजन में किया जाए तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज काफी ज्यादा है। इवन इंडिया के अंदर यंग पीपल के अंदर भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज की बहुतता है। तो ये सब चीजें होने की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइमली इंटरवेंशन पे बार इन चीजों में बेटर स्थिति को लाता है। जी जी। अच्छा सर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए कार्डियोवास्कुलर डिजीज में कई सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगेन इनको चीजों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स और एक होते हैं नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स। जी, मॉडिफिएबल का मतलब है जिन रिस्क फैक्टर्स को अपन कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको बदलने से हमारे को हार्ट की या दूसरी बीमारियों के रिस्क कम हो सकती है। नॉन मॉडिफिएबल का मतलब जिनपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जी, नहीं कंट्रोल है नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, जैसे एज पे अपना कोई कंट्रोल नहीं है, बढ़ेगी। 55 साल की उम्र के बाद आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा ही रहेंगे। फिर जेंडर की बात करें तो मेल्स के अंदर रिस्क कंपेयर टू प्री मेनोपॉजल वुमेन में कंपैरिजन में देखा जाए तो मेल में ज्यादा रिस्क रहता है। एक और ग्रुप आता है एथनिसिटी, उसमें अफ्रीकन एशियन जो ग्रुप है उसके अंदर ज्यादा ही रिस्क रहता है। तो हम एशियन हैं तो हमें हार्ट डिजीज या वैस्कुलर डिजीज के होने के चांसेस ज्यादा ही है। पुअर और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मिडल, वो अगेन मॉडिफिएबल में आती है, लेकिन चीजें आती है कि अगर आप स्ट्रेस कंट्रोल कर रहे हैं वो चीजें है। नॉन मॉडिफिएबल रिस्क में और आता है फैमिली हिस्ट्री। आप फैमिली हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके फैमिली में कम उम्र पे लोगों को हार्ट अटैक या हार्ट से जुड़ी बीमारी आई है तो वो पॉसिबिलिटी है कि आपको भी होने का चांसेस रहते हैं। एंड अगेन डायबिटीज कैन बी कैप्ट कंट्रोल्ड बट इट कैन नॉट बी, मतलब इसको बिल्कुल गायब नहीं किया जा सकता है। ये चीजें को आपको देखना है। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स में हम देखा जाए तो अच्छा खान पान, अनहेल्दी डाइट जो अगर आती है तो अगर आपका अनहेल्दी डाइट है तो उसको बेटर करिए। आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज्यादा कर रखिए। हाई फैट डाइट है उसको कम रखिए, तो ये मॉडिफाई कर सकते हैं। स्मोकिंग है, स्मोकिंग को बंद कर दीजिए। टोबैको च्यूइंग है वो बंद कर दीजिए। वजन है अगर बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी है आपको, तो उसको आप कंट्रोल करिए। ये सब चीजें आपके मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स में आती है। सर व्हाट इज द बर्डन ऑफ सीबीडी? देखिए बर्डन वही बात रही है कि जैसा मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इंडिया के अंदर कितने केसेस हैं कंपैरेटिवली वर्ल्ड के देखा जाए तो काफी ज्यादा केसेस हैं। और मैक्सिमम डेथ जो अगर सोसाइटी में देखी जाए तो लीडिंग फैक्टर जो होता है, लीडिंग डेथ कॉज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। सो 17.9 मिलियन पीपल डाई ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज एवरी ईयर। अगर ये संख्या को देखा जाए तो हर साल मिलियंस डेथ हो रही है इस वजह से। तो बर्डन तो काफी ज्यादा है। डेफिनेटली बेटर कंट्रोल से अपन इसको स्थिति को बेटर कर सकते हैं। सर यहाँ पर ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि सीवीडी होता क्यों है, किस वजह से होता है सीवीडी का? जैसा भी हमने बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, इसमें एक तो ये था कि मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स और नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स, ये सारे ही फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज को प्रोड्यूस करने में। जी। ये सारे फैक्टर्स किसी न किसी तरीके से एथ्रोमा या एथ्रोस्क्लेरोसिस दिल मतलब नसों के आसपास जमा करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जब जमना चालू होता है तो जो नसें होती हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो जो होता है वो सीमित हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। और कोई एक ऐसा दिन होता है जिसमें शीयर स्ट्रेस के बढ़ने की वजह से वो जो एथ्रोमा वो रप्चर हो जाता है, वहां पे तुरंत क्लॉट बन जाता है और आर्टरी बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज डेवलप होती है। सर क्या हार्ट अटैक का कोई साइन होता है, कोई संकेत होता है? बिल्कुल। अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो डेफिनेटली बहुत तरीके के सिम्टम्स आते हैं और बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं। कई बार हम उनको गैस से संबंधित समझ लेते हैं, लेकिन आपको पहचानना चाहिए कि ये सिम्टम डिफरेंट है गैस के सिम्टम से। जैसे जिसे हम रिट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट कहते हैं, मतलब बिल्कुल छाती के बीचों बीच आपको डिस्कम्फर्ट आ रहा है या लेफ्ट साइड चेस्ट पेन हो रहा है और जलन सी मच रही है या भारीपन आ रहा है और वो हाथ की लेफ्ट हैंड या राइट हैंड की तरफ रेडिएट कर रहा है, ये पेन टिपिकल हार्ट का सिम्टम होता है। बट जरूरी नहीं है कि ऐसा हर एक मरीज को हो। कई बार ये दर्द जो है वो दांत की तरफ भी चला जाता है, कई बार नाभि तक आ जाता है, कई बार पेट में दर्द होता है, ऐसा लगता है कि गैस हो रही है, पीछे
भी दर्द हो जाते हैं, इसके साथ में पसीना आना, घबराहट होना, ये कॉमनली हो जाता है। सांस चलने लग जाती है, ये कॉमन सिम्टम्स हैं और साइंस हैं जिनसे हमारे को मालूम चल जाता है कि पेशेंट को संभवतः हार्ट या हार्ट से संबंधित कुछ समस्या चल रही है और हमें तुरंत कोई ना कोई हेल्प लेनी चाहिए। सर, स्मोकिंग और हार्ट डिजीज किस तरह से लिंक्ड है आपस में? अगेन, स्मोकिंग सबसे वर्स्ट चीज है। अगर कोई स्मोकिंग करता है और वो उसको छोड़ देता है तो डेफिनेटली कई सारे साल उसके और लाइफ में जुड़ जाते हैं। तो स्मोकिंग वो चीज है जो कोई भी तरह की बीमारी प्रोड्यूस कर सकती है शरीर में, तो इसको छोड़ना सबसे बेस्ट काम है जो हम कर सकते हैं। स्मोकिंग की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनका जो एंडोथेलियम होता है, जो उसकी लेयर्स होती है, वो डैमेज होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है और इसमें क्लॉट बनने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली स्मोकिंग हार्ट अटैक, स्ट्रोक यानी कि ब्रेन अटैक, ये सब प्रोड्यूस कर सकता है। जी जी सर, सीबीडी को डेवलप करने में डाइट का क्या रोल होता है? जैसा कि अंशुमन हमने पहले ही डिस्कस किया था, मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स, अनहेल्दी डाइट आपके हाथ में कंट्रोल है, उस पर आप उसको चेंज करें और आप स्वस्थ रहें। आप चाहें तो बहुत बुरे बुरे डाइट्स लेते रहें और अपने आप को प्रीडिस्पोज करते रहें हार्ट डिजीज पर, रिस्क पर। आप चाहें तो आप डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक ज्यादा रखें, रेड मीट या फैट्स हैं उनको कम रखें, और उनको कम रखने की वजह से आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। अल्कोहल, कई बार हम ये सोच के चलते हैं कि एक्सेसिव अल्कोहल कुछ भी प्रोटेक्टिव, ऐसा नहीं है। जनरली जो एक रिकमेंडेशन था कि वो वन ड्रिंक के लिए अराउंड, वो रिकमेंडेशन है लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो हाई अल्कोहल कंजम्पशन इज आल्सो ए रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। हमें डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल ज्यादा हों, व्होल ग्रेन्स हम ज्यादा खा रहे हों, जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनका सेवन ज्यादा ज्यादा करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सर, क्या हार्ट अटैक के सिम्टम्स महिलाओं और पुरुषों में अलग होते हैं? बिल्कुल, कई बार पुरुषों के जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट हार्ट अटैक की जो पिक्चर डिस्क्राइब कर रखी है किताबों में उस प्रकार के होते हैं। छाती में दर्द होना, लेफ्ट हैंड में रेडिएट करना और पसीना आना, घबराहट आना, इस तरीके से वो प्रेजेंटेशन लेकर आते हैं। बट महिलाओं में कई बार वैग सिम्टम्स होते हैं। वैग का कहना मतलब है कि उनको वो कंप्लेन को बहुत प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर पाती है, या एक यू कह सकते हो कि उनकी कंप्लेन बहुत जनरलाइज ही होती है। उनको जनरल पूरी बॉडी एक में कई बार बॉडी एक होने लग जाता है, पूरी छाती के अलावा पूरा छाती, पेट और ऐसे दर्द कर सकता है, तो उनके वैग सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। बट एनीवे, एक एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट बहुत इजीली ये चीजें पहचान पाता है। सर, क्या हृदय रोग हेरिडिटरी होता है? हाँ, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये एक नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है। जी हाँ, हम हेरिडिटी को चेंज नहीं कर सकते, फैमिली हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते। ये कई बार कई फैमिलीज के अंदर अर्ली एजेस पे हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन इसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़े रहने का, शुगर होने का, बीपी होने का। इनको हम कंट्रोल करें तो हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, बीमारी को थोड़ा लेट होने दे सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हेरिडिटी फैक्टर्स तो है, लेकिन कई बार आप स्वस्थ डाइट, एक्सरसाइज, इनसे आप अपनी स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। सर, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज के बीच में क्या कनेक्शन होता है? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, ये सभी रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि अपने लिए नुकसान देते ही है और हार्ट की बीमारी को प्रोड्यूस करते ही। ब्लड प्रेशर ये बहुत कॉमन सिनेरियो है और कई सारे ब्लड प्रेशर के मरीजों को तो पता भी नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है, और जो जिनको पता है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहे होते कई सारे, और जिनका ट्रीटमेंट चालू भी है वो अपना प्रॉपरली बीपी कंट्रोल भी नहीं रख रहे हैं। सो एक कॉमन सिनेरियो चल रहा है जिसमें बीपी बहुत ज्यादा रहता है कई लोगों का। अब ये जो ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, ये जो नसें होती है उनमें शीयर स्ट्रेस बढ़ाता है, इस वजह से कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन काफी तेजी से होता है। जब कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन काफी तेजी से होता है तो कई बार वहां पर रप्चर होने का चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, क्लॉट बनने की टेंडेंसी रहती है और वो हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक प्रोड्यूस कर सकता है। तो बीपी को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है जिससे कि आप इस तरह की बीमारी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बचाव रख सकते हैं अपना। सर, वर्ल्ड हार्ट डे पर आपका संदेश क्या होगा लोगों के लिए जो आपको सुन रहे हैं इस समय? मेरा मैसेज उन लोगों के लिए यही है कि स्वस्थ खाएं, व्यायाम करें, और अगर आपको किसी प्रकार की इस तरह की बीमारियां हैं तो टाइम पे मेडिसिन लें और एक्टिव रहें। दैट्स ऑल। अगर आप ये चीजें फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज पर जीत पा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू। विजिट योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर अ फ्यू सिंपल चेक्स। चेक योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, चेक योर ब्लड प्रेशर, चेक योर नंबर्स, अंडरस्टैंड द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ हार्ट अटैक। धुन बदल के तो देखो, धुन बदल के तो देखो।